जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा इंतखाबात करीब हैं, 7 तारीख के दिन पोलिंग डेट है। तो मेरी स्पेशली जो है तमाम ख्वातीन और हजरात से पुरखलूस गुजारिश है, इस बार जो है ज़्यादा चांसेस इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के साथ में सरकार बनाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये कब पॉसिबल है? आप लोग बाहर आकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट करेंगे। पोलिंग के दिन सुबह अव्वल काम पूरा मतलब विथ फैमिली आप लोग बाहर आइए और वोट कीजिए। वोट आपका कास्ट होगा तभी कुछ ये चांस हकीकत में बदल सकता है। और जैसे पिछले 10 साल से माइनॉरिटी को जैसे सप्रेस हो रही है, माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, ये अब आपके हाथ में मौका है। इसको मतलब इस बार आप अपने इस मौके को आप जो है गनीमत जानकर ये जो सरकार है, ये जो कम्युनल सरकार है, इसको आप तब्दील कर सकते हैं और अपने मतलब आपका वोट डॉक्टर राधा कृष्णा जी के हक में इस्तेमाल कर कांग्रेस को मजबूत कर कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए। एज आवर कैंडिडेट मिस्टर आरके जी, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, ही नोज ऑल आवर प्रॉब्लम। ये कम्युनिटी के साथ ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। आप जो है अपना कीमती वोट मिस्टर आरके जी के हक में, आरके जी दोड्डमनी के हक में इस्तेमाल कर कांग्रेस को मजबूत कीजिए, इंडिया अलायंस को मजबूत कीजिए। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सभी के पास है, सारे हिंदुस्तान में है, और सभी का हक ये बनता है, सभी की जिम्मेदारी है कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। हम देखते हैं कि पिछले 2 इलेक्शंस में ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ डिस्कशन में ही अपना वक्त निकाल दिए हैं और वोटिंग के दिन सारी रात डिस्कस करके वोटिंग नहीं करते। अब आपका वक्त आया है, आपका टाइम आया है, डिस्कशन कम कर दीजिए और एक्शन पे आ जाइए। हर कोई अपना वोट, अपने घर का वोट और अपने महल्ले का वोट, ये जिम्मेदारी कर दीजिए। रिजल्ट खुद ही आएगा, डिस्कशन पे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपका वोट डालने से एक एक वोट कीमती होता है। हमने कई इलेक्शंस में देखे हैं, एक या दो वोट से कैंडिडेट जीतता है, हारता है। आप ये उम्मीद लेके जाना चाहिए कि आपके वोट से आप जिसको चाह रहे हैं उन्हें जीत जाना, ये अगर आपके दिल में आ गया, और ये आपका फर्ज है। आप डिस्कशन करके इन्हें आता कैलकुलेशन है सारे चीजें भूल जाइए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खास तौर पे माइनॉरिटीज अब के बाद जरूर वोट डालें, 100% वोट डालें। मैं यकीन दिलाता हूं आप जब 100% वोटिंग करेंगे आपका कैंडिडेट आपके सामने होगा। और आपको अच्छी तरह मालूम है पिछले 10 सालों में माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, इसे एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको आप अच्छी तरह जानते हैं किसको वोट डालना है। आप जम के वोट कीजिए, 7 बजे से 10 बजे के अंदर खवातीन को मौका दीजिए, उसके बाद आप लोग वोट डाल सकते हैं। अदबन मेरी गुजारिश है और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बाहर निकल जाइए और वोट डालिए। और इसकी यकीन है कि आप जिसको डाल रहे हैं इंशाल्लाह वो जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई अपील टू ऑल माय गुलबर्गा सिटीजंस टू कम आउट ऑन पोलिंग डे एंड यूज योर वैल्यूएबल वोट, बिकॉज वी आर सफरिंग सिंस लास्ट 10 ईयर्स। वी आर सीइंग व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट सेंटर इज harming to the minority community. I appeal to the minority brothers to come out in large number, huge number. At least minimum this time we have to vote 80% to 90% in favor of Congress. I wholeheartedly appeal to vote for Mr. R.K. Doddamani, who is a intellect, very fair and very intelligent candidate. He got good experience in political field, and he's a man from the ground. He knows the daily day-to-day problems and issues. I once again request you to come out in huge numbers and vote in favor of Radhakishan Sahab Doddamani.